नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान बजट 2024 को लेकर आ रही है। दरअसल डिप्टी सीएम दीया कुमारी और भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कर दी 10 बड़ी घोषणाएं जो आज ही लागू होगी। हम जानेंगे राजस्थान के बजट को लेकर और बड़े ऐलानों पर नजर डालेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर आम आदमी को इससे क्या फायदा हुआ है और क्या ऐलान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 10 सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल राजस्थान में बजट पेश हो चुका है। राजस्थान बजट में 10 बड़ी घोषणाएं की गई है। एक एक करके उन घोषणाओं पर नजर डालें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के बजट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजस्थान में जो बड़ी घोषणाएं की गई है उनमें राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर भर्ती की बड़ी घोषणा है। इसके अलावा रोडवेज बसों के अंदर सफर करने वाले और ट्रेन के अंदर सफर करने वाले सभी बुजुर्गों को 50% की छूट दी गई है। बेटी होने पर 1,00,000 रुपए का इनाम, सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सदन में पेश किए गए लेखा अनुदान में कई लोक लुभावन घोषणाएं की है। युवाओं को साधने के लिए उन्होंने 70,000 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है जो पेंडिंग्स हैं उनकी नहीं। साथ ही रोडवेज बसों के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की गई है। अब तक महिलाओं को यह छूट मिल रही थी, महिलाएं इसका फायदा उठा रही थी, लेकिन अब बुजुर्गों को भी वंचित नहीं किया जाएगा। अब तक के सबसे लंबे 51 पेज के लेखा अनुदान भाषण में किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों, मजदूरों, व्यापारियों और युवाओं और उद्योग व्यापार सहित हर वर्ग के लिए सरकार ने ऐलान किए हैं, एक को भी पीछे नहीं रखा है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बेस बजट है वो पेश किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू की जाएगी और 5,00,000 गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। बजट में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई है। राजस्थान के 5,00,000 घरों में सोलर प्लांट भी लगाने का ऐलान कर दिया गया है जो सरकार ने पिछले ही दिनों किया था। वो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 5,00,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने के ऐलान किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए हैं वो मंजूर किए हैं। साथ ही 10,00,000 करोड़ का अंतरिम बजट ये पेश किया गया है। दरअसल हमने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि आखिर बजट में क्या होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है। दरअसल किसानों के लिए 2,000 करोड़ का जो मिशन है वो बनाने की घोषणा की गई है जिसमें 20,000 नए फॉर्म पॉन्ड है, 5,000 किसानों के लिए कंपोस्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा और भर्तियों का कैलेंडर है वो बनाया जाएगा। वहीं बड़े शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो बनेगा। इसके अलावा 300 यूनिट की बिजली है वो फ्री कर दी गई है। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर परिवार को 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। भाजपा ने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था। दरअसल 5,00,000 परिवारों की सालाना इनकम 1,00,000 से ज्यादा होगी, ये सरकार ने दावा किया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को प्रदेश में पहले प्रसव पर 6,500 रुपए मिलेंगे, ये बड़ा ऐलान। चिरंजीवी योजना, अब आयुष्मान योजना, कैंसर का डे केयर इलाज सब फ्री होगा। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट, पेंशनर्स को घर बैठे दवाइयां दी जाएगी। साथ ही मानदेय कर्मचारियों का 10% तक बढ़ा दिया है। दरअसल कर्मचारी चिंतित थे कि उनके बारे में कांग्रेस ही सोचती है, लेकिन भाजपा ने वो कर दिखाया है जो कर्मचारी सोच ही नहीं सकते, 10% इजाफा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये बजट नए राजस्थान का नया बजट, जन जन के सर्वांगीण उत्थान और मोदी जी की समस्त गारंटी का बजट है। लोक कल्याणकारी और सर्व समाजवेशी बजट के लिए दीया कुमारी और उनकी टीम को बधाई दी गई है। और इधर सरकार ने, यानी पूर्ववर्ती सरकार ने इस बार अपनी टीका टिप्पणी की है। साथ ही सीएम गहलोत ने इस बजट को लेकर जो कहा है वो आपको भी सुन लेना चाहिए। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने बजट पर बड़ा बयान दिया है। बजट पर सीएम गहलोत ने टिप्पणी करते हुए और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि इस लेखा अनुदान से राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है। दरअसल सीएम गहलोत का यह बड़ा बयान बजट पेश होने की बात सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार पर 2,00,000 करोड़ कर्ज बढ़ गया है। मैं उनकी जानकारी के लिए लाना चाहूंगा कि भारत सरकार पर यूपीए सरकार के समय 2014 तक सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि
कर्ज वो है वो कम था, लेकिन अब 2024 तक करोड़ों का कर्ज राजस्थान और देश पर ज्यादा बढ़ गया है। अपने कोई नहीं सोचता, दूसरों पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर कर्ज बढ़ गया है। सीएम अशोक गहलोत ने सामने से भाजपा सरकार पर इस बजट को लेकर निशाना साधा है।